प्रखंड के सबलपुर दियारा गांव गंगा के कटाव से दो दर्जन से अधिक घर नदी में विलीन हो गया। मंगलवार की सुबह 4 बजे से तेजी से कटाव शुरू हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद कटाव स्थल पर पहुंचकर जिला प्रशासन को दूरभाषा पर संपर्क कर जानकारी दी। घटना स्थल पर अनुमंडल प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी स्तर के पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे। घर में रखे बाइक साइकिल एवं अन्य सामान भी गंगा में समाहित हो गया। कटाव स्थल पर लोगों के बीच हाहाकार मची हुई है। कटाव स्थल सबलपुर पछियारी पंचायत के नगरवा की है। लोग खेत में सामान लेकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कटाव के डर से लोग अपने अपने घरों को खाली कर दिया है। कोई घर को तोड़कर चौखट केवाड़ी निकाल रहा है तो कोई मकान का ईटा। कटाव से त्राहिमाम मचा हुआ है। पछुआ हवा तेज होने के कारण कटाव का रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है। देखते ही देखते घर के घर गंगा में विलीन हो रहा है। 4 बजे के करीब में, 4 बजे भोर में जो कटाव लगा है गंगा के धार से, काफी घर, कम से कम 20 से 25 घर कट गया, जिसमें हम लोगों का, मेरा भी घर कट गया है, जो कि सामान हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ से निकाल कर दूसरे स्थान पर रखने के लिए। कितने घर कटा होगा इसमें? इसमें पर्सनल कम से कम 20 घर कटा है। और ये इसी पंचायत में? इस पंचायत में कम से कम 30 से 35 घर कट चुका है, माने हमारे साथ लेकर। पेड़ पौधे का भी नुकसान है? पेड़ पौधे, घर, शहर, सामान वगैरह। तो कहाँ आप रहिएगा अब? अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कहीं व्यवस्था, अगर सरकारी सुविधा अगर मिलता है तो वहाँ पे जाकर हम लोग प्लान कर कम से कम रह सकते हैं। ये कटाव की बहुत ही बुरी स्थिति है। आज भोर से शुरू होकर के और पूरे आधा गांव कट गया। हम लोगों का पूरा ही गांव ही नहीं बल्कि ये 4 पंचायत कटने का हालत बना हुआ है। अगर इसको सरकार नहीं चेती, अविलंब युद्ध स्तर पर नहीं बचाया गया तो नदी का धार पूरा यहां गंडक तक चला जाएगा। हमारा ये 4 पंचायत भी इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।